अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर भी बांट करके उन सबको बधाई दी। जाति के नाम पर, जिसमें समुदाय के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक कंफ्यूजन पैदा किया जाए, कंफ्यूजन पैदा करके अपने लोगों को ढिंढोरा पीट करके इकट्ठा किया जाए कि मेरे साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है। अधिकारियों की शिकायतें थी, गांव गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का जो चुनाव है उसमें तो एक मिल्कीपुर का पहले ही टाल दिया गया था, लेकिन बाकी के बचे जो 9 सीट थे उस पर उपचुनाव की घोषणा हो गई थी कि भैया 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। पर पता नहीं कैसे जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, काफ़ी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे से की होगा, उनको ये भी नहीं पता होता डेट रखने से पहले कि इस दिन पूर्णिमा पड़ेगा, इस दिन पुण्यवासी होगी, तो इस दिन सब लोग नहाने जाएंगे, फिर वहाँ से यात्रा करेंगे, वहाँ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और नदी के किनारे जाएंगे। लेकिन ये सबको भूलकर वो आयोग प्रस्ताव कर देता है, पास कर देता है कि हाँ भैया 13 तारीख को चुनाव होंगे, ऐलान हो गया है, सब अपने अपने पार्टियों में जुट जाओ, और सभी अपने पार्टियों में जुट जाती हैं। फिर इसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि इस दिन तो पूर्णिमा पड़ गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा करते हैं इसको इस डेट से हटा के उस डेट कर देते हैं। तो ये चुनाव आयोग की, और आपने देखा कि पिछले 2-2.5 सालों से या पिछले इलेक्शन से लगभग लगातार ये खबरें आ रही, ईवीएम चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग ही जीता रहा बीजेपी को, तो ये सारे आरोप लोग लगा रहे हैं, पर आपके सामने जो है वो अस्पष्ट है। आप देखिए हरियाणा का चुनाव 1 से हटा के 5 को किया गया और वहाँ पे आपने देखी जीत किसकी हो गई, माहौल किसका था पर जीत किसकी हो गई। खैर ये जीत हार की बात तो अलग है, लेकिन आप सोचिए चुनाव आयोग के जो एक पंडित हमारे यहाँ होता है तो उससे जब आप पूछेंगे भैया कार्तिक माह और ये पुण्यवासी कब पड़ेगी, तो वो जोड़ घटा के पोथी पत्रा में देख के बता देता है। पर हमारे जो अधिकारी, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इसके बाद भी ये स्पष्ट नहीं कर पाते किस दिन क्या पड़ने वाली है। लेकिन जब ऊपर से आदेश आता है कि हाँ अभी थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, तो ये इनका कुछ ऐसा प्रभाव होता है। खैर छोड़ो इस पे, ये सब तो बात है बात बात की, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है देश में, लेकिन इसके बाद भी देश को यहाँ ले जाना है और 3rd नंबर पे 5वें नंबर पे 1 नंबर पे पहुँचाना है दुनिया में, कैसे पहुँचाएंगे वो अलग की बात है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जितना ये टालेंगे उतने बुरे हारेंगे, पक्की बात है ये, मतलब जितना समय ये टालेंगे उतने बुरी हारेंगे। इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो, इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो, और उसका परिणाम ये है कि आपका साथी भी, मैं नहीं जानता कि वो साथी कितना करीब आपका लोग होगा, लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है, और मैं कहता हूँ अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। अब अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हार रही इसीलिए चुनाव टाल रही है, इसीलिए पहले अयोध्या का चुनाव टाला, फिर यूपी के चुनाव की तारीख बदल दी गई। भाजपा चुनाव में कोई कसर खास तैयारी कर रही है, कोई बहुत खास तैयारी कर रही है, ये तैयारी हो सकती है पुलिस को आगे करने की तैयारी हो। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने दूंगा, भाजपा को हारने का डर है और इसी डर से बाहरी जो पहलवान भागता है वही हारता है, यानी कि जो मैदान से रिंग से जो पहलवान भाग लेता है वो तो हारा हुआ होता है, और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग रहे हैं। सीधे सीधे अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक जितना ये टालेंगे उतना हारेंगे। अब अगर हम बात करें मुकाबले की, तो देखिए मुकाबला तो सब में है, सबसे खासम खास जो देख जा रही सीट वो कटेरी है, यानी कि जहां हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कटेरी में किसके हालात हैं। खैर यहां पर बैकवर्ड से जो
धर्मराज निषाद जी को टिकट दिया गया तो काफ़ी मजबूती बन जाती है। पर एक तरफ हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अवधेश द्विवेदी की नाराजगी दिख रही थी उस बीच में, लेकिन अब वो नाराजगी नहीं है। अवधेश द्विवेदी ने ये बात खुद साफ कर दिया और उन्होंने तो बड़ा आरोप लगाया कि लालजी वर्मा ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि मुसलमानों को यहाँ को, मतलब लालजी वर्मा जितने भी अफवाह फैलाते हैं उससे चुनाव जीतते हैं। अब की बार ये अफवाह काम नहीं आएगा और इस परिवारवाद को ख़त्म करेंगे। परिवारवाद ऐसे हो जाता कि उनकी पत्नी को टिकट मिला है। और इसी परिवारवाद पर रितेश पांडे तो कुछ भाई साहब और ज़्यादा आग बबूला हैं। अब रितेश पांडे को अगर हम बात सुनेंगे तो पूर्व सांसद रितेश पांडे ने सपा और लालजी वर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए की बात करती है, लेकिन जब एक अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति चुनाव में आ जाते हैं, अब सपा के फर्जी पीडीए से पर्दा उठ गया, जगह जगह शराब और पैसा बांटा जा रहा है। सपा के सांसद के लोग ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पूर्व सांसद रितेश पांडे जी ने कहा कि लालजी वर्मा केवल अपने परिवार के लोगों को हर पद पर कब्जा कराने की चाहत रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थी, बेटी को विधायकी का चुनाव लड़वाए, खुद कटहरी से विधायक बने, फिर सांसद बन गए। अब उनकी पत्नी कहां से यहां से विधायक बनना चाहती हैं। उन्होंने दूसरे पद पर लोगों को काबिज नहीं होने दिया, उनके लोग ज़मीनों पर कब्जा करके गांव देहात में अपना दबदबा बना रहे हैं। और आज जब एक गरीब व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में कमज़ोर है, वो चुनाव लड़ रहा है, अत्याचार तो सारा उनके साथ हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो, उनके पास इतना राजनीतिक रसूख नहीं है, इतना मीडिया मनी पावर नहीं है कि वो आकर के सबको ढिंडोरा पीटने लगे कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। जगह जगह पे शराब बट रही है दिवाली में। पूरा वीडियो अब हम बात करेंगे कि धर्मराज निषाद बैकवर्ड तो है ही, पर अगर आप सोचो कि इनको बहुत गरीब बताया जाए, बहुत गरीब, आप सोचिए चलो ठीक है, इनकी जाति गरीब हो सकती है, बैकवर्ड हो जाति गरीब हो सकता है, लेकिन तीन बार के विधायक, एक बार के मंत्री कितने गरीब हो सकते हैं ये आप सोच सकते हैं। सीधी साफ की बात है, तीन बार के विधायक, एक बार के मंत्री कितने गरीब हो सकते हैं ये सोच सकते हैं। उनके पास गाड़ियां कौन है, किस गाड़ी से वो चलते हैं ये भी आप देख सकते हैं। लालजी वर्मा का काफिला देख सकते हैं, इनका काफिला देख सकते हैं। दोनों आदमियों के काफिले लगभग बराबर में चलते हैं और सबके पास भाई साहब फार्चूनर गाड़ी है, बोलेरो, बढ़िया बढ़िया बाकायदा गाड़ी है, तो कौन कितना गरीब है तो अलग की बात है। पर किसान गरीब नहीं है, खेतों में जो किसान काम करता है, राशन के लिए जो लाइनें लगाता है, वो गरीब नहीं है। अगर हम तीन बार के विधायक, एक बार के मंत्री को गरीब बता रहे हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं सोच पर डिपेंड करता है, वो किसी भी जात का आता हो। खैर, इस पर ज़्यादा बात नहीं होगी। तो मुद्दा यही है कि कटहरी में माहौल तो भाई साहब तीन तरफा है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। कटहरी में एक माहौल नहीं भाजपा जीत जाएगी, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। सपा जीत जाएगी ये भी सवाल नहीं उठता, बसपा जीतेगी ये भी हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। सबसे बड़ी जाति तो दलित जाति है, एससी जाति है। कटहरी में 1,00,000 से ज्यादा आबादी है, ब्राह्मणों की आबादी लगभग 50 से 55 है और वर्मा की आबादी लगभग 45 से 50 है या फिर 40 से 45 है, ऐसे में आबादी है। तो जहां दलित एक तरफा चला जाएगा ना, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन जाता कहां है, वो जाएगा थोड़ी ना। तो ये रितेश पांडे जी ने आरोप लगाए। और आज की खबर है, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव आज कलेक्टर साहब के ऑफिस पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं इसमें चुनाव में, चाहे वो पुलिस हैं चाहे और अधिकारी हैं, ये हमारे लोगों पर जो है दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो आपको ऐसे में इतने मुकदमे में आपको अंदर कर दूंगा, इतना मुकदमा ला दूंगा कि आप ज़िंदगी हर मुकदमे में सरते रह जाओगे। तो ये सारे आरोप थे और इसी आरोप के मामले में शिवपाल यादव आज गए थे डीएम के आवास या जियो डीएम के कार्यालय पर। तो ये सब मामले आज कटहरी के हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइए। और हाँ, सबसे ध्यान देने वाली बात है कि भैया वोट डालने के लिए तो आप बेसब्री तैयार थे, कहाँ आपकी भाजपा जिता देंगे, आपकी सपा जिता देंगे, नहीं नहीं बसपा जिता देंगे, तो आपका इंतजार थोड़ा सा और बढ़ गया। अब 13 से 20 यानी कि 7 दिन का फासला हो गया। खैर, इस 7 दिन में अगर अखिलेश की बात माने तो भाजपा क्या, वो जो अखिलेश कह रहे हैं कि पुलिस को आगे करेगी, अधिकारियों को आगे करेंगे, तो फिर ऐसे होगा वैसे होगा, कितना काम इसमें कर सकती है और क्या मुकाम उसमें हासिल होगा,
ये भी देखने की बात होगी। खैर, तब तक के लिए हमारा और आपसे नमस्कार।